तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मेरी खाला बनाने जा रही है सूप, जिसका नाम है चिकन हॉट सूप। चलिए देखते हैं वो क्या क्या डालेंगी और क्या से बनाएंगी। चलिए भैया शुरू करते हैं। असलामुअलैकुम गाइस, मैं आज आपको चिकन सूप बनाना सिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, 1 किलो चिकन लिया है, 1 पाव चिकन लिया है। मैंने 2 अदद गाजर थी वो ले ली है, उसको कट कर लिया है। और साथ में मैंने हरा प्याज लिया है। यहाँ पर मैंने 5 गिलास पानी लिया है और ये मैं सब इसमें डाल दूँगी इसकी यखनी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं और इसकी यखनी तैयार करते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यखनी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन किया है और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे सूप के लिए हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा हम यखनी को कुक होने के लिए रख देंगे और साथ साथ में हम अपने इनमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। ये है किनोल चिकन क्यूब, हमने ये एक अतः ये डाल लेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे आधा कप जो है बंद गोभी रखी थी वो डालेंगे। और यहाँ पे गाजर है आधा कप, ये भी हम डाल के इसमें पका लेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च जो है वो हम इनके साथ कुक नहीं करेंगे, इनको बाद में डालेंगे। तो ये हमारी वेजिटेबल जो है वो कुक हो जाएंगी। और साथ साथ में हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। और ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी मैं कम जो है वो डाल रही हूँ और अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लूँगी। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो रही हैं ये चीज़ें हमारी। और इसमें ऐड कर देंगे सर चिकन जो हमने श्रेड करके रखा हुआ था। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस ऐड किया है। और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे चिली सॉस। चलिए, और हम 1/2 टेबलस्पून जो है वाइट सॉस ऐड करेंगे। चलिए जी, ये हमने ऐड कर दिया है। और साथ में हम इसमें ये 1 टेबलस्पून जो है चिकन पाउडर ये ऐड होगा। और हम इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा कुक हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी चिकन बची थी, मैं इसको फ्लेम ऑन करूँगी। तो हम यहाँ पे ऑयल बचा हुआ था पहले का ही जो है ना, मैं इसमें थोड़ा सा चिकन को रोस्ट करूँगी। चिकन को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको चिकन को रोस्ट करेंगे और जब तक ये रोस्ट होता है हम 5 मिनट के लिए इसको कुक कर देते हैं। यहाँ पे अब हम जो है ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको हम करेंगे मिक्स। फोर टेबल स्पून हमारा ये यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, चिकन भी हमारा साथ साथ जो है वो हम कुक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है चिकन जो है कुक हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से इसको लाइट सा हमने गोल्डन करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना हमने।
good. ये देखिए लाइट का जो है हमारा ये बॉइलिंग हो रहा है और थोड़ा सा हम अपना मीडियम चूल्हा जो है वो मीडियम में रखेंगे और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा सारा कॉर्नफ्लोर ऐड हो गया है और ये यहाँ पे हमने एग रखे थे, तीन एग मैंने दिए थे, सिक्स रुपये की। और यहाँ पे जो है मैं एग ऐड करूँगी। और साथ ही अब हम इसमें शिमला मिर्च, चले जी शिमला मिर्च हमने जो है वो इसमें डाल दी है और जो हमने चिकन रोस्ट किया है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखें हमारा जो है सूप डन हो गया है और अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और बाय।